हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के फोर्थ चैप्टर कैपेसिटर्स एंड डायलैक्ट्रिक्स चैप्टर से टेन मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का सेकेंड पार्ट इसके पहले इसका फर्स्ट पार्ट हमने स्टडी कर लिया है यदि किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे पहले वीडियो देख लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दिया गया है तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एलेवन व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटेंस वेन ए डायलैक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन इट्स प्लेट्स ए इंक्रीजेज बी डिक्रीजेज सी रिमेन्स द सेम डी बिकम्स जीरो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन इंक्रीजेज तो जैसा हम जानते हैं हमारे पास फार्मूला क्या है तो फार्मूला है सी इज इक्वल टू के एफ्सालन नॉट ए अपॉन डी ये तो फार्मूला है अब क्या दिख रहा है यहाँ पर अगर हम किसी भी डायलेक्टिक मटीरियल -डिय जो भी डायलेक्टिक -डिय मटेरियल हो उसका डायलेक्टिक कांस्टेंट ये होता है ठीक जैसा हम जानते हैं कि जो फ्री स्पेस होती है उसका डायलेक्टिक -डिय कांस्टेंट क्या होता है उसका डायलेक्टिक कांस्टेंट वन होता है और मेटल्स के लिए क्या होते हैं इनफाइनाइट होते हैं ठीक यानी जो भी हमारे पास डायलेक्टिक मटेरियल्स -डिय होते हैं उनकी जो डायलेक्टिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वन से इनफाइनाइट के बीच में बिलोंग करती है अगर कोई भी डायलेक्टिक मटेरियल होगा अगर उस हम क्या करते हैं उसमें उस कैपेसिटर के बीच में या जो कैपेसिटर प्लेट्स उसके बीच में इंट्रोड्यूस कर देंगे तो होगा क्या तो हम देख रहे हैं ये नूमरेटर में है और ये क्या है नूमरेटर में दिख रहा है मींस यहां पर जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या करेगी इंक्रीज करेगी क्योंकि क्या है डायरेक्टली प्रपोशन है क्या है डायरेक्टली प्रपोशन है देअर फोर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पोटेंशियल ड्रॉप इन ए डायक्ट्रिक इज इक्वल टू ए जीरो बी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंटू एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन डी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंटू डी इज द करेक्ट ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंटू थिकनेस तो जैसा हम फार्मूला एक जानते हैं वो क्या है तो हमारे पास फार्मूला है ई इज इक्वल टू वी अपान एल इसके अकॉर्डिंग क्या कहेंगे वी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा इंटू e एल मिल जाएगा ठीक तो वही तो कह रहा है हमारे पास यहाँ पर पूछा क्या जो पोटेंशियल ड्रॉप है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी है ठीक अब किसके कॉल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एल एल के हमारे पास जो थिकनेस होती है ठीक ना यहाँ पर वही हमारे पास जो फार्मूला आ रहा है ठीक यानी हमारे पास क्या मिला था ये फार्मूला मिला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है तो हमारे पास सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है तो हमारे पास ई जो इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल्स ठीक वो फार्मूला हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर में स्टडी किया था ठीक वहाँ से फार्मूला लिया गया है Question number 13. The specific inductive capacity of the material is also known as a capacitance of capacitor, b electric flux, c dielectric constant, d none of these. Option C is the correct option. Dielectric constant. तो जैसा हम इसके पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि जो हमारे पास के होता है डायलेक्टिक कांस्टेंट क्या होता है ये हमारे पास इसे एप्सालना आर से भी नोट करते हैं और ये होता है एप्सालन अपॉान एपसालना ठीक ना इसके साथ साथ हमने के को जो डिफाइन किया है वो क्या किया वो कैपेस्टेंट टर्म भी डिफाइन किए इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म भी डिफाइन किए हैं ठीक पोटेंशियल के टर्म भी डिफाइन किए तो जो डायलैक्टिक कांस्टेंट होता है सिंपली इसी को हम क्या कहते हैं यही टर्म हमारे पास स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी के नाम से भी जाना जाता है देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोरटीन व्हाट हैपेंस टू पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन ए डायक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ए इंक्रीजिज बी डिक्रीजेज सी रिमेंस द सेम डी बिकम्स जीरो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन डिक्रीजेज तो जैसा हम फार्मूला जानते हैं हमारे पास दो फार्मूला क्या है हम एक सी इक्वल टू जानते हैं हमारे पास क्या है यहाँ पर फार्मूला है सी इज इक्वल टू क्या है तो के एफ नॉट ए अपॉन डी और एक फार्मूला हमारे पास क्या है सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन भी तो जरा देखिए पहला फार्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पहला फार्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है अगर कोई डायलैक्टिक मटेरियल आप डायलैक्टिक कांस्टेंट के को इंट्रोड्यूस किया जाएगा बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर तो क्या होगा कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी और सेकेंड फार्मूला क्या बता रहा है कि यहां पर जो सी है ये पोटेंशियल के इनवर्सली प्रपोर्सम है ये डिनोमिनेटर में है ठीक ना यानी सी क्या होगा अगर सी इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल जो होगा वो डिक्रीज करेगा यानी पोटेंशियल ड्रॉप का वही टर्म यहाँ यूज किया गया है कि वाट हैपन्स टू द पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल ड्रॉप के साथ क्या होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप डिक्रीज करेगा क्योंकि हमारे पास कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहा है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन the electric fields of dielectrics having the same cross-sectional area in series are related to their relative permittivities in which way question number 15 question number 15 the electric fields of dielectrics having the same cross-sectional area in series are related to their relative permittivities इन विच वे एक्वल बी डायरेक्टली प्रपोशनल सी इनवर्सली प्रपोशनल डी नॉट रिलेटेड ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन इनवर्सली प्रपोशनल क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द डायलैक्टिक स्ट्रेंथ ऑफ परफेक्ट वैक्यूम इच वन इंटू टेन टू पावर ट्वेल्व मेगाबोल्ट पर मीटर बी ट्वेंटी फोर मेगा बोल्ट पर मीटर सी ट्वेंटी मेगा बोल्ट पर मीटर डी फोरटीन मेगा बोल्ट पर मीटर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन वन इंटू टेन टू पावर ट्वेल्व मेगा बोल्ट पर मीटर ठीक है ये हमारे पास होती है डायलैक्टिक स्ट्रेंथ किसकी परफेक्ट वैक्यूम की ध्यान रहे परफेक्ट वैक्यूम और नॉर्मल वैक्यूम भी अलग अलग डिफाइंड किए गए ठीक है तो नॉर्मल वैक्यूम की जो वैल्यू होती है वो थर्टी मेगा बोल्ट पर मीटर के आसपास होती है ठीक Question number 17 the effective capacitance of a capacitor is increased when capacitors are connected in a series b parallel c series parallel combination d none of ab above option b is the correct option पैरल तो जैसा हम जानते हैं जो कैपेसिटेंस होता है अगर उसे हम पैरल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होते हैं डायरेक्टली सम के लिए जाते हैं वो मिलता है क्या C इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एंड सो ऑन कर लेंगे ठीक है जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हमारे पास होंगे सभी ऐड कर लिए जाएंगे ठीक तो यहाँ पर हमें क्या दिखा यहाँ पर ये यह दिखा अगर हमें क्या करना हो कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंक्रीज करना हमारे पास जो सर्किट्स हैं उस सर्किट में हम क्या चाहते हैं अगर कैपेसिटेंस वैल्यू इनक्रीज कर जाए मैक्सिमम मिले उसके लिए क्या करना होगा हमें पैरल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना होगा क्वेश्चन नंबर 18 द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन ए सीरीज बी पैरल सी सीरीज पैरल कॉम्बिनेशन डी नन ऑफ द अबब ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन सीरीज तो जैसा हम जानते हैं अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या मिलता है तो सी वन अपान सी मिलता है हमको यानी वो हमको रेसिप्रोकल लेना पड़ता है तो रेसिप्रोकल्स में क्या मिलेंगे तो वन अपान सी इज इक्वल टू वन अपान सी वन प्लस वन अपान सी टू एंड सो ऑन करेंगे ठीक है यानी क्या होगा अगर हम करते हैं किसी कैपेसिटर्स को कोई सर्किट्स में नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं अगर उन्हें हम सीरीज कम्बिनेशन यूज करते हैं तो वहां पर जो उनका कैपेसिटेंस होगा वो रिड्यूस कर जाएगा क्यों क्योंकि हम वहाँ पर रेसिप्रोकल के टर्म यूज करते हैं वन अपॉन सी के टर्म में एड किया जाता है सम किया जाता है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ए चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ ए बैटरी इफ ए डायलैक्ट्रिक्स स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन इट्स प्लेट्स देन विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ विल रिमेन अनचेंज्ड ए चार्ज बी पोटेंशियल डिफरेंस सी कैपेसिटी डी एनर्जी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन पोटेंशियल डिफरेंस अगर किसी भी कैपेसिटर को जो कि चार्ज कैपेसिटर हो अगर हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं और फिर उसमें किसी डायलैक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पर उसका चार्ज की वैल्यू भी चेंज हो सकती है कैपेसिटी भी चेंज हो जाती है एनर्जी स्टोर जो होती है वो भी चेंज हो जाती है बट पोटेंशियल डिफरेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है देरफोर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ए कूलम पर बोल्ट बी फायरड सी कूलम स्क्वायर पर जूल डी न्यूटन पर कूलम ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन न्यूटन पर कूलम कूलम तो न्यूटन न्यूटन पर पर जो होता है कूलम ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है ठीक तो कूलम पर बोल्ट या फायर या कूलम स्क्वायर पर जूल ये यूनिट है कैपेसिटेंस के जैसा हम जानते हैं हमारे पास फार्मूला क्या है वो सीज इक्वल टू क्यूक्य अपान भी यही तो है तो क्यू हमारे पास कूलम पर बोल्ट ऑप्शन दिख रहा है और कूलम पर बोल्ट को ही हम फायर कहते हैं ठीक और कूलम स्क्वायर पर जूल करेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं कूलम पर जूल पर कूलम ठीक ना? तो जूल पर कूलम फिर बोल्ट कहलाता है ठीक यानी हम क्या देख रहे हैं ये जो हमारे पास ऑप्शन ए बी एंड सी है ये तीनों के तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम क्वान्टिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक और वो क्वान्टिटी है कैपेस्टेंस ठीक तो यहां पर हमारे पास ये ए बी सी इज द कैपेस्टेंस के यूनिट है बट यहां पर नॉट पूछा गया इसलिए लिए हमारे पास क्या न्यूटन पर कूलम इज द करेक्ट ऑप्शन